दिवाली का ये पर्व सबके जीवन में खुशी लाए, उल्लास लाए, समृद्धि लाए और हम सबके प्रयासों से समाज में अभाव में रहने वाले वंचित लोगों के जीवन में भी खुशहाली लाए, समृद्धि लाए। ये दिवाली हमारा संकल्प का पर्व है। सामूहिकता और सामूहिक प्रयास हमारे संस्कारों में है, हमारी जीवन पद्धति में है। और हमने देखा कि जब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना संक्रमण के कारण आर्थिक और सामाजिक ढांचा चरमरा गया था, उस समय भारत की जनता ने सामूहिक संकल्प के साथ, सामूहिक विश्वास के साथ उस कोरोना का मुकाबला भी किया और सामूहिकता के साथ उस कोरोना के समय वंचित अभाव में रहने वाले लोगों का सहयोग भी किया। ये हमारी संस्कृति है, संस्कार है और इसीलिए पूरी दुनिया ने देखा कि दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश किस तरीके से सामूहिक संकल्प के साथ किसी भी चुनौती से लड़ सकता है। और आज भारत दुनिया का वह देश है जिसने कोरोना चुनौतियों पर काफी हद तक सफलता भी पाई है और 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन कर पूरे विश्व के अंदर रिकॉर्ड बनाया। क्योंकि दुनिया के अंदर हम जब देखते हैं किसी देश की आबादी 1 करोड़, किसी की 5 करोड़, कभी 20 करोड़, दुनिया का सबसे बड़ा देश और सबसे बड़े देश के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन, यह हमारा सामूहिकता का प्रयास है। देश में सामूहिकता के साथ साथ एक कुशल नेतृत्व की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसने देश की कई समस्याओं का समाधान किया और उसके साथ साथ कोरोना की संकट की चुनौती से भी लड़ा। कोरोना में हमने काफी हद तक सफलता प्राप्त की है, लेकिन कोरोना के कारण जो हमारा सामाजिक आर्थिक ढांचा चरमराया है, हमारे कई लोग बेरोजगार हुए, उनको फिर से हमें नए तरीके से इस कोरोना के अंदर नए अवसरों को तलाशते हुए उनको संबल देने की आवश्यकता है। मुझे आशा है हाड़ौती का यह संभाग जो हमेशा जीवंत इलाका है, जहां किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, सब में काम करने की कर्मशीलता है, हर लक्ष्य को प्राप्त करने की असीम क्षमता है, हमें इसी क्षमता के साथ काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि कोरोना के समय भी जब संकट बढ़ा था तो उस संकट के समय भी हमारे धरती पुत्र किसानों ने हमारी रक्षा करने का काम किया। उस समय देश का किसान ही था जिसने मेहनत कर अपनी उपज को उगाया, कोरोना महामारी के अंदर भी काम किया,
देश की जनता को अन्न देने का काम किया, समाज को रोजगार देने का काम किया, और जब गांव का नौजवान शहर में काम करने चला गया था और शहर के अंदर काम काज बंद हो गए थे, उस समय गांव में आकर ही उसकी दो टाइम की रोटी का इंतजाम किसान ने किया। मुझे कई परिवारों और नौजवानों का ध्यान है जो बड़े बड़े शहरों के अंदर रोजगार करते थे। जब मैं उनसे पूछता था आप क्या होगा, तो उन्होंने कहा हम हमारे गांव जाएंगे, वहां काम करेंगे। और वो गांव में जाकर उन्होंने काम किया, मेहनत की और फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए। उस समय हमारे आर्थिक ढांचे को सशक्त करने का, मजबूत करने का काम किया तो किसान ने किया। इसलिए भारत को अगर मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है, समृद्धशील बनाना है, तो हमारे किसानों को मैं मजबूत बनाना होगा, समृद्धशील बनाना होगा। किसान की उपज बढ़े, उसको ठीक से मूल्य मिले, यह सरकार की जिम्मेदारी भी है लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम किस तरीके से नई तकनीकी की खेती करकर वैज्ञानिक तरीके से अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए हम सब लोग सामूहिक रूप से काम करेंगे। देश में जहां खेती का बढ़िया काम हो रहा है, नई तकनीकी अपनाई जा रही है, वहां की नई तकनीकी को हम सीखेंगे और हमारे यहां भी उस नई तकनीकी, नए वैज्ञानिक तरीके से कैसे हमारी उपज बढ़ सकती है, कैसे हमारी आमदनी बढ़ सकती है, इसके लिए भी हमें कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। मुझे याद है अभी एमएलए साहब ने भी कहा कि हमें यहां कभी यूरिया का, कभी डीएपी का संकट आ जाए तो किसान परेशान हो जाता है। लेकिन अब समय बदल गया है। देश का कितने इलाके हैं जिन्होंने न यूरिया डालते न डीएपी डालते हैं। और उसके बाद भी अपनी उपज को भी बढ़ाया और आमदनी को भी बढ़ाया। हमें उस जैविक खेती की ओर भी जाना पड़ेगा, यूरिया डीएपी के विकल्पों को भी ढूंढना पड़ेगा और नए विकल्पों से हमें खेती करने की भी आवश्यकता है। विधायक महोदय और मुझे कई किसान कह रहे थे कि डीएपी का अभाव है। मैंने किसानों को कहा, एमएलए साहब को भी कहा कि अब डीएपी का अभाव नहीं रहेगा। मैंने आज ही दिल्ली बात की है, एक रेक रोजाना डीएपी की कोटा में आए। लेकिन हमें विचार करना पड़ेगा कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही हमें फर्टिलाइजर जमीन पे डालना चाहिए। कई बार किसी फर्टिलाइजर की कमी हो जाती है तो लोग इकट्ठा करके रखते हैं कि कहीं कल मिलेगा ना मिलेगा। हमें यह मानकर चलना चाहिए, जब तक मैं यहां हूं मेरी कोशिश रहती है कि किसी चीज का अभाव हो तो उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आप जब भी मुझे जानकारी डालते हैं मैं संपूर्ण प्रयास करता हूं। किसान भाइयों, मैं आज आपका दिवाली का राम राम करने आया हूं। मैं अगली बार जब किसान भाइयों से चर्चा करने आऊंगा तो ये जरा सारा इलाका कोटा के 30, 35, 40 किलोमीटर के रेडियस में है और 40 किलोमीटर होने के कारण हम रोड से कनेक्टिविटी भी हमारी बेटर है। कई इलाकों के अंदर नहर का पानी नहीं पहुंच रहा, ये बात सही है। कई इलाकों के अंदर
लोग लिफ्ट की बात करते हैं, वो भी हम विचार कर रहे हैं कि क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, जिन विकल्पों के आधार पर किसान को पर्याप्त खेत के लिए पानी मिले, पर्याप्त बिजली मिले, पर्याप्त अच्छे बीज मिले, अच्छी खाद मिले, हर किसान अपनी जमीन की गुणवत्ता की जांच करे, जांच के आधार पर खाद का उपयोग करे, इस तरीके के पूरे वैज्ञानिक अध्ययन इस इलाके का करने की आवश्यकता है। और इसके लिए जब मैं आपके बीच में अगली बार आऊंगा तो संपूर्ण देश के वैज्ञानिक होंगे, कृषि के एक्सपर्ट होंगे और हम सब बैठकर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम आमदनी को बढ़ाने की, उनके अनुभवों को अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार, अपनी जमीन अपने पानी उपलब्धता के आधार पर किस तरीके से हम हमारी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। मुझे कई बार दिल्ली के अंदर जब कृषि वैज्ञानिक मिलते हैं और जब वो अपना प्रेजेंटेशन देते हैं तो मुझे चिंता लगती है कि जो प्रेजेंटेशन वो दे रहे हैं क्या वो जमीन पे हकीकत पर आ सकता है, और उनका मानना है कि अगर प्रयास करें तो हकीकत पे आ सकते हैं। वो जो प्रेजेंटेशन देते हैं उस प्रेजेंटेशन के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हर किसान की आबादी बढ़ सकती है। और इसीलिए मैंने उन सभी वैज्ञानिकों को कहा है कि आप मेरे इलाके के किसानों के साथ चर्चा करें, संवाद करें, बढ़िया क्वालिटी का बीज हो। मुझे पिछली बार मिले कोई किसान, उन्होंने कहा कि साहब जो कीटनाशक दवा होती है उस कीटनाशक दवा को न तो किसान किसी कृषि वैज्ञानिक से चर्चा करता, दुकान पर जाता है और बीमारी बताता है, दुकानदार उसको दवा देता है। कई दवाओं को जो पिछली बार 4 साल पहले गया था तो सोयाबीन की फसल खत्म होगी, तो उन्होंने कहा साहब इतनी दवा डाल दी, जितनी आमदनी होगी इतनी दवा डाल दी तो भी हमारी फसल नहीं बच पाई। अब ऐसे होने वाला नहीं। जो देश की सबसे बढ़िया दवा होगी और जिसके परिणाम अच्छे होंगे वह दवा किसानों को मिले, जिस बीज के सबसे अच्छे परिणाम आए वह बीज किसान को मिले, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपको तो केवल सहयोग करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है हमें इस दिशा की ओर काम करने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, ये कोटा की वो धरती है जिसने अपनी विश्वव्यापी पहचान बनाई है। अभी जो मैंने कोटा डोरिया का सापा पहना इसलिए पहना कि कोटा डोरिया देश नहीं पूरे विश्व के अंदर इसकी अपनी पहचान है। मुझे एक बहुत कई सांसद मिलती है, विशेष रूप से एक महिला सांसद मुझे मिली, मैंने उनसे पूछा आपने कोटा डोरिया कहां से साड़ी लाई, तो उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है तो कोटा डोरिया की साड़ी पसंद है। तो कोटा डोरिया साड़ी की अपनी एक पहचान है। मैं कल रामगंज मंडी गया था, वहां का धनिया, वहां का स्टोन की अलग पहचान है, कोटा की कचौरी की अलग पहचान है। हमारी जो पहचान है उस पहचान को हमें राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है। ये बात सही है, कोटा की कोचिंग आज देश भर का विद्यार्थियां पढ़ने आता है। जब बीच में कोरोना का संक्रमण आया था तो कई परिवारों पर आर्थिक संकट आ गया था। कल मैं जब उस इलाके से निकला तो सब ढाबे चल रहे थे, बच्चे लोग घूम रहे थे, दुकानदार के चेहरे पर चमक थी। मैंने 3-4-5 ठेले वालों से पूछा, मैंने कहा क्या हाल है, उन्होंने कहा साहब पहले जैसा तो नहीं है लेकिन 90% 80% व्यापार चल रहा है।
पहले जब मिलता था मैं कोरोना के समय कहते थे कि 10-15% व्यापार चलता है, बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चलता है। कई लोगों के तो आर्थिक रोजी रोटी का संकट ही पैदा हो गया। लेकिन अब हमें कई विकल्पों पर विचार करने की आवश्यकता है। हमें एक विकल्प के आधार पर हमारी आर्थिक धुरी को खड़ा करने की आवश्यकता नहीं, हमें एग्रीकल्चर पे खड़ा करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाने पे खड़ा करना होगा ताकि हम डाइवर्सिटी कर सकें। अगर हमने कार्य की डाइवर्सिटी रखी तो कभी भी कोई आपदा कोई संकट के अंदर मुकाबला करने की हमारी क्षमता हो। और इस आपदा ने यह तो सिखा दिया कि व्यक्ति अकेला कभी नहीं जी सकता, इस आपदा ने सिखा दिया कि हमें सामूहिकता के साथ चलना है, सबको मिलकर चलना है और सबके सहयोग से चलना है। यह आपदा ने केवल आपको मेरे को नहीं सिखाया, यह आपदा ने दुनिया को सिखा दिया कि कोई भी देश अकेला आपदा और संकट से नहीं निमट सकता। हम जब दुनिया के देशों से चर्चा करते हैं स्पीकर कॉन्फ्रेंस में तो सब एक बात कहते हैं, अब अगर कोई आपदा संकट से लड़ना है तो हमें वैश्विक रूप से सब देशों को मिलकर ही सामूहिक रूप से किसी भी चुनौती का मुकाबला करना। कोई जमाना था जब अपना अपना देश अपने अपने स्तर पर किसी चुनौती से निपटने में सक्षम होता था, लेकिन यह वैश्विक महामारी ने हमें सिखा दिया कि केवल विश्व एक कुटुंब परिवार नहीं है। हम तो हमेशा वसुदेव कुटुंबम की भावना से करते हैं, हमारा तो संस्कारी कुटुंबम है और इस कुटुंबम की भावना को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कई बार मैं सोचता हूं कि आपने मुझे जनप्रतिनिधि भेज दिया, विधायक महोदय को चुनकर भेज दिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, सरपंच, सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में आपने प्रतिनिधि भेजे। अब लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुने प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है कि वे जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरी करें, उनकी समस्याओं को समाधान करें, उनके अभावों को दूर करें। और जिन जिन संस्थाओं ने उनको चुनकर भेजा है, मानो ग्राम पंचायत की समस्या है तो ग्राम पंचायत में जाके समस्या समाधान, पंचायत समिति हो तो पंचायत समिति में हो, जिला परिषद हो तो जिला परिषद में हो, राज्य की समस्याओं को विधायक महोदय से मिले, और केंद्र का कोई विषय हो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम के अंदर सभी तरीके के एक उचित प्लेटफॉर्म बना है, लेकिन मेरा आपसे आग्रह कि हमें ये प्लेटफॉर्म नीचे तक गांव तक खड़ा करने की आवश्यकता। हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हर गांव के अंदर राजनीति से उठकर हम गांव में बैठकर चर्चा करें कि हमारे गांव की क्या क्या समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। समस्या सामूहिक भी हो सकती है, समस्या व्यक्ति से भी होती है, लेकिन उस गांव के अंदर जब सामूहिक समस्या हो तो सामूहिक बैठकर चर्चा करें कि हमारे गांव की यह समस्या सबसे प्राथमिकता के आधार पर है और इस समस्या का समाधान का रास्ता विधायक महोदय से निकलेगा, सांसद महोदय से निकलेगा, सरपंच साहब से निकलेगा, उनसे जाकर हम सामूहिकता के साथ चर्चा करें यह हमारी गांव की समस्या है, हमें इसका समाधान का रास्ता निकालें। और इसी तरीके से व्यक्तिगत रूप से भी कोई समस्या हो तो व्यक्तिगत रूप से भी कई बार गांव का व्यक्ति सोचता है, हर व्यक्ति की तो पहचान होती नहीं, हर व्यक्ति सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय भी नहीं होता। अभी मुझे एक विकलांग भाई मिला, अब विकलांग भाई मुझे मिला तो मैंने पूछा कि तुम्हें व्हीकल क्यों नहीं मिला, मैंने 500 गाड़ियां बांटी, उन्हें कहा मेरा सर्टिफिकेट बना हुआ है 60%। अब कोई भी उस विकलांग भाई को देख ले तो वो बैठा हुआ अभी आप देख लो उससे 80% से ज्यादा वो विकलांग है, लेकिन सर्टिफिकेट बना दिया 60% का। अभी समस्या का समाधान अगर मैं नहीं आता आज तो शायद उसको 2 साल तक गाड़ी नहीं मिलती। ऐसे कई बार मुझे मन में पीड़ा होती है
गांव में जाता हूं तो कई लोग, एक बार मैं गांव में गया तो गांव पे खाट पे व्यक्ति सो रहा था। मैंने पूछा भाई कैसी तबीयत है, कि साहब मेरी हड्डी टूट गई। तो मैंने कहा हड्डी टूट गई तो इलाज कराओ, कि साहब इलाज के पैसे नहीं है। मैंने कहा भाई हड्डी के इलाज के पैसे कितने लगेंगे, 25,000-50,000। यहां अब उस 25,000-50,000 के रूप लिए वह गांव के अंदर पड़ा है। कोई गांव के व्यक्ति ने हमसे नहीं कहा कि साहब आप इसकी हड्डी लगा दो या इसकी हड्डी चेंज कर दो तो ये चलने लग जाए। मुझे कई बार गांव में जाता हूं तो मैं जब देखता हूं तो मुझे मन को पीड़ा होती है कि मेरा सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता कहीं ना कहीं जनता के संवाद से दूर होता जा रहा है। जनता की उस परेशानी कठिनाई से दूर होता जा रहा है। हम बैठे हैं, आपने हमें सक्षम बनाया है, सांसद बनाया है, हमारी जिम्मेदारी है कि समाज के हर व्यक्ति को जो भी कठिनाई हो, परेशानी हो, मुसीबत हो, एक नया सिस्टम डेवलप करने की आवश्यकता है। हर गांव में 4 से 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम बनाने की आवश्यकता। पिछली बार में कोरोना के समय मैंने बहुत आग्रह किया कि हर गांव के अंदर कोरोना योद्धा बनाओ। कई गांव के अंदर कोरोना योद्धाओं ने अच्छा काम किया, गांव-गांव में जाकर दवा बांटी, अपनी जान जोखिम में डाली। क्योंकि मुझे याद था उस समय कई गांव के अंदर ऑक्सीजन नापने का ऑक्सीमीटर ही नहीं था, तो वह जब तक शहर में आता था जब तक तो पता चला उसके ऑक्सीजन ले भी ली ऐसा रह गया कि वो जी नहीं सकता। मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई। मैंने कई गांव में पूछा क्या ऑक्सीमीटर है, कि साहब ऑक्सीजन मीटर ही कोई न खाए से नापा, बल्कि सांसा फूट रही है। मैंने कहा सांसे फूट रही मतलब इसका ऑक्सीजन लेवल कम गया। मैंने उसी समय सभी गांव के अंदर 3-3-4 कार्यकर्ता तैयार किए, उनको ऑक्सीमीटर भेजा, थर्मामीटर भेजा, दवा भेजी ताकि उनकी ऑक्सीजन नाप लें, कोई आवश्यकता तो तुरंत दवा दे दें और थोड़ा ठीक हो जाए तो फिर उसको हॉस्पिटल तक लेने का काम। अगर हम और सिस्टम को ढंग से जमा लें तो बाकी तो भगवान की कृपा रहती है, जब आएगा तो दुनिया में जाएगा सही, लेकिन कई लोगों की जान हम बचा सकते हैं। सबसे पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर व्यक्ति को स्वस्थ रखें, और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। मैं सोचता हूं कि इस 6 महीने के अंदर अगर आप हर गांव के अंदर कुछ मजबूत कार्यकर्ताओं की टीम बना दो और हर गांव के अंदर सामूहिक समस्या के अलावा कभी मुझे कोई कार्यकर्ता मिलता है तो नाली पटान रोड बस, इसके अलावा कभी किसी काम के लिए नहीं मिलता। कभी वो निकेता के भाई साहब आप दिल्ली बैठे हो कि कोशिश करो कि हमारी आमदनी कैसे बढ़ सकती है, अच्छा बीज सोयाबीन का बीज कभी नहीं आएगा तो लास्ट में कहेंगे सोयाबीन का बीज नहीं आया था। कभी भी कोई कमी होगी तो अंतिम दौर में कहेंगे। आप पहले से प्लान करो चीजों। हर गांव के अंदर अगर 5-5, 10-10 कार्यकर्ता भी जिम्मेदारी से काम कर ले तो मेरा विश्वास है कि ये संसदीय क्षेत्र पूरे लोकसभा क्षेत्रों का मार्गदर्शन कर सकता है, कि ऐसा हमारा होगा। और मेरी जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर के नाते भी है, इसलिए जब मैं जनप्रतिनिधि से अपेक्षा करता हूं मेरे लोकसभा सदस्यों से कि वो जनता से संवाद करें, जनता की बातों को उठाए, जनता की समस्याओं को समाधान करें, मैं 2-3 काम खुद मेरे संसदीय क्षेत्र में कर पाऊंगा तब उनको उदाहरण दूंगा कि आप भी अपने क्षेत्र में इस तरीके से करें। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह कि हर गांव के अंदर राजनीति से ऊपर उठकर 5-5, 10-10 लोगों की टीम बनाएं, गांव में बैठें, चर्चा करें और फिर सूचीबद्ध बनाएं कि ये गांव के अंदर समस्या है, ये व्यक्तिगत समस्या है और हमारे गांव के अंदर हर व्यक्ति स्वस्थ रखना चाहिए। उसके बाद में हर गांव के अंदर 3 महीने बाद जिस जिस गांव में पहले हो जाएगा
सब गांव के अंदर मेडिकल टीम मोबाइल भेजूंगा और सब गांव वालों की चेकिंग करूंगा। मुझे कई बार पीड़ा होती है, मैं एक दिन डॉक्टर महेश पंजाबी के यहां पर गया तो मैंने पूछा, मैंने कैसे आया है कि पिताजी को दिखाने आया हूं। मैंने कहा आप क्या करते हो? डॉक्टर। मैंने कहा अच्छा क्या हाल है पिताजी के? उन्होंने कहा साहब अगर मैं पिताजी को दिखाने जाता तो मेरे पिताजी की आंखें नहीं देखती। अब डॉक्टर होके भी वो पिताजी को इतना लेट दिखाने आया है, कितने लोग होंगे गांव के अंदर जिन लोगों के मोतियाबिंद होगा, काला पानी होगा, लेकिन नहीं होगा। पिछली बार हमने कुछ कैंप लगाए थे जिसके इक्विपमेंट क्योंकि कोरोना था इस कारण से बांट नहीं पाए थे। कई बार तो ये सिस्टम ने सारे सिस्टम को बिगाड़ दिया कोरोना ने, कि हम सामूहिक रूप से चर्चा नहीं कर पाए, व्यक्ति से व्यक्ति न मिल पाए। लेकिन अब कोरोना करीबन करीबन समाप्त हो गया है, आप हर गांव के अंदर कार्य योजना बनाओ। हम हर गांव को आदर्श गांव बनाना चाहते हैं। आदर्श केवल विकास से नहीं, आदर्श हमारे हर काम से आदर्श होना चाहिए। दुनिया के लोग देखें कि देखो कैसे आदर्श गांव है, जहां हर व्यक्ति स्वस्थ है, हर बच्चा पढ़ता है। मैंने पिछली बार बहुत कोशिश की कि जितनी 50 साल से ऊपर के लोग थे, मैं 2-3 गांव में गया। मैंने कहा सर्वे करो, यहां पढ़ाने वाले बच्चे से कहा तू सर्वे कर। और सर्वे करने के बाद मैंने देखा कि 60 साल से ऊपर 70% लोग अनपढ़ थे। मैंने वहां मेरी पाठशाला चला के, मेरी पाठशाला नाम से, फिर मैंने वहां पर एक बीएड करी हुई महिला थी, एक पुरुष था। मैंने कहा आप गांव में सर्वे करो और उनको पढ़ाने लाओ, वो ऐसे पढ़ने नहीं आएगी। उनको बढ़िया सी साड़ी दो, बैग दो, उनको कहो कि भाई हम आपको कुछ न कुछ सहयोग करेंगे। जब जाकर वो पढ़ने आई और उस गांव के अंदर वो महिलाएं सामान्य रूप से पढ़ने लग गई और सामान्य रूप से हस्ताक्षर करने लगी। मुझे पिछली बार मेरे रोटरी क्लब के इंटरनेशनल अध्यक्ष आए थे, मैंने उनसे आग्रह किया कि आप कोटा बूंदी के अंदर हर गांव के अंदर मेरी पाठशाला शुरू कर दो, ताकि हर गांव के अंदर चाहे 50 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, चाहे 70 साल का हो, बहुत जिद करके उसको केवल पढ़ने लग जाए और साइन करने लग जाए, इतनी अपेक्षा मेरी उनसे है। इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं कर रहा कि उनको ज्यादा पढ़ना है, पढ़ ले और साइन कर ले, नहीं तो फिर कहते ना ऐसा मुंह तो पढ़वा लो लिखवा लो, कहें साइन करा लिया खाता बढ़ गया माँ का, ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। इससे हर गांव पढ़ा लिखा हो। हमारी नई पीढ़ी तो पढ़ी लिखी है, पर हमारी पुरानी पीढ़ी को भी हम पढ़ी लिखी बना सकें। हर गांव स्वस्थ हो, हर गांव के अंदर रेगुलर चेकअप होती रहे। कितने गांव के अंदर लोग बाग जब मैं जाता हूं कि बेटे कसा चा तो बेटे बेटे चले गए, बेटे बेटे क्या चले गए, उनकी डायबिटीज आई थी, इतनी डायबिटीज थी चेक करने का इक्विपमेंट खा से थे, बेटे चले गए। कौन गांव में डायबिटीज क्रम चेक करता है, कौन ब्लड प्रेशर चेक करता है, कहां सिस्टम है गांव के अंदर। अब दुनिया बदल गई है, हमें ये सब चीजें गांव के अंदर लाना पड़ेगा। और जनप्रतिनिधि नाते हमारी जिम्मेदारी है, केवल हमारी जिम्मेदारी केवल वोट मांगने की जिम्मेदारी नहीं है, या ये राजनीतिक सम्मेलन या सामाजिक सम्मेलन करने की नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि सामूहिक रूप से आपको कहने का तर्क मेरा यही रहता है कि हम बैठें, सामूहिक रूप से चर्चा करें, धीरे धीरे 10 गांव के अंदर करो, 20 गांव में करो, लेकिन यहां से जाने के बाद हमें हर गांव के अंदर ऐसे प्रमुख कार्यकर्ताओं की लिस्ट बन जाए जो हमारे कोटा ऑफिस से कांटेक्ट में रहे, जयपुर ऑफिस से कांटेक्ट करे, दिल्ली के ऑफिस में। मैंने सभी जगह कार्यकर्ता इसलिए बिठा रखे हैं, कोटा में भी, जयपुर में भी, दिल्ली के अंदर भी। अब धीरे धीरे वह कनेक्ट होते रहे, आपस में मिलते रहे और सिस्टम को ठीक करेंगे। कोई हमारे यहां पर अगर कम सुनवाई होती है तो उसको ठीक करने का काम करेंगे। सुधार की आवश्यकता तो निरंतर प्रक्रिया है, जब आप बताओगे तो और सुधार करेंगे। हमारी कोशिश तो है ना कि हम प्रयास करना चाहते हैं। कई बार कार्यकर्ता कहते हैं भाई साहब 10 बार आ गया काम ही नहीं हो, निराश थकान से काम नहीं चलता कभी। कई राजनीतिक कार्यकर्ता हमारे पूरी साहब बैठे हैं, कब से जनसन के जमाने से चल गए, अभी कुछ नहीं मिला, इसका तो थकान निराश नहीं होता, फिर भी चला नहीं जाता, फिर भी उठाते रहते।
तो थकान निराश से रामेश्वर जी बैठे हैं। मैं खेड़ा रसलपुर से बरसों से रामेश्वर जी को जानता हूं, आज भी रामेश्वर जी कोई गांव की समस्या वो लेकर आते हैं। तो थकान निराश से काम नहीं चलेगा, हमें गीता की तरह ना कर्म करते जाओ। जो कर्म करते जाता है और ये अपेक्षा नहीं था फल मिलेगा नहीं मिलेगा, अंतिम सफलता उसको मिलती ही मिलती है मेरा भाव। और हमारा यही कर्म है कि सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक के जीवन को जब तक नहीं बदलेंगे, हमारे कार्य को निरंतर करते रहेंगे, इस लक्ष्य के साथ हमें जाने की आवश्यकता है, इस संकल्प के साथ जाने की आवश्यकता है। आप निश्चित मानिए हम सब सामूहिक रूप से काम करेंगे तो हमें लगेगा कि हमने कई जिंदगियों को बेहतर बनाया, कई जिंदगियों को बदलने का काम किया और कई जिंदगियों के जीवन में रोशनी लाने का काम किया। यही हमारे जीवन का संकल्प है। मुझे आशा है दिवाली का पर्व हमें यही मार्गदर्शन करता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में उजाला आए, जैसे दीपक जलता है तो समाज में रोशनी करता है, खुद को रोशनी नहीं मिलती, उसी तरीके से हमारे प्रयासों से हम समाज में किस तरीके से बदलाव ला सकते हैं, इस संकल्प के साथ हम काम करेंगे। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।